तो दोस्तों हम कहानी आपको बताते हैं बैजूज क्लास की। बैजूज क्लासेस का कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि एकेडमी जो हमारा है इससे भी कई गुना ज़्यादा फीचर्स वाला है। जैसे बैजूज क्लास हो गया, अन एकेडमी हो गया, इस प्रकार के जो फीचर्स वाले हमारे इंडिया में मौजूद जो क्लास हैं जिससे लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसका जो फीचर्स है और हमारे एकेडमी का जो फीचर्स है ये दोनों में मतलब काफ़ी डिफरेंस है, और कुछ ज़्यादा फीचर्स हमारे एकेडमी में है जो अच्छा फीचर्स है। तो आइए हम जो बैजूज को मतलब क्लास क्यों रखा गया भाई, ऐसा डिफरेंस नाम क्यों है बैजूज क्लासेस। तो बैजू नाम का जो है ना एक लड़का था जिसका नाम था बैजू रविंद्रन। उसका जन्म हुआ 1981 ईस्वी को, कहाँ तो केरला डिस्ट्रिक्ट में, कैनूर डिस्ट्रिक्ट में, केरल में। केरल कहाँ है तो इंडिया, मतलब कैनूर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है उसमें एजी खोड़े गांव का नाम है, वहाँ पर जन्म हुआ था इसका। और ये इंजीनियरिंग कैनूर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, और इसके जो पिता थे वो जो है मैथमेटिक्स के टीचर थे, और माता जो थी फिजिक्स की टीचर थी। मलयालम मीडियम स्कूल में ये पढ़ाई किए। जब इन्होंने बीटेक कंप्लीट कर लिया और तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैनूर वहाँ पर ये जो है ही ज्वाइंड अ मल्टीनेशनल, वहाँ पर से वो बीटेक कंप्लीट कर लिए गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में वो ज्वाइन किए और उसमें सर्विस इंजीनियर थे। तो जो है जब 2003 ईस्वी में ये छुट्टी पर आए, कौन बैजू जी नाम का जो लड़का था, ठीक है, नाम था बैजू रविंद्रन। तो बैजू रविंद्रन भाई जो 2003 में छुट्टी लिए कंपनी से, तो उनका जो फ्रेंड था, दोस्त था, दोस्त कैट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, CAT कैट। तो कैट एग्ज़ाम में अपने दोस्त का उन्होंने मदद किया। उसका दोस्त बोला, अरे यार तुम भी थोड़ा दे दो ना कैट, तो उसने भी कैट का एग्ज़ाम दे दिया बैजू रविंद्रन ने। तो जैसे ही वो कैट का एग्ज़ाम दिए तो उनका जो रिजल्ट आया ना वो आश्चर्यजनक था, सरप्राइज्ड था। क्या भाई, तो 100वां रैंक था, मतलब 100वां परसेंटाइल था, सॉरी परसेंटाइल था, 100th परसेंटाइल। बोले अरे 100 by 100 मेरा ऐसा नहीं हो सकता, 100th by परसेंटाइल संभव नहीं है। तो वो दोबारा एग्ज़ाम दिए फिर, तो फिर उनको मतलब 100th परसेंटाइल मिला। बोले यार 100 by 100 एग्ज़ाम में मार्क्स आना, तो 2 साल तक जो क्या किए वो लगातार लोगों का हेल्प करते रहे, अपने फ्रेंड का, दोस्त का, और जो भी लोग थे उसको मदद करते रहे, कोचिंग एगो चलाने लगे, और जो है लोगों को कैट का एग्ज़ाम का तैयारी फ्री में कराने लगे। उसके बाद उनका कोचिंग धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो क्विट कर देंगे जॉब को, जॉब छोड़ देंगे, और उन्होंने 2007 ईस्वी में जॉब को छोड़ दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे मतलब डिसाइड किए कि जब तक ले आप जो है 50 गो प्लेटफॉर्म ना कर रहे हैं ना, अरे भाई हम तो नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, अरे हम तो ओसमो कर रहे हैं, हम तो पर्लवाइन कर रहे हैं, हम तो वेस्टीज कर रहे हैं, हम तो RCM कर रहे हैं, आ जाइए, तो सब अपना अपना मतलब कर रहे हैं 50। अब एक आदमी क्या किया, 2 गो 3 गो 4 गो नेटवर्किंग ज्वाइन किया हुआ, इसमें से नहीं आएगा पैसा तो उसमें आएगा, उसमें से नहीं आएगा तो इसमें आएगा। लेकिन होता क्या है, 2 गो 3 गो 4 गो करने से अनुभव थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एक कोई प्लेटफॉर्म में अगर यदि आप लग जाते हैं तो उस प्लेटफॉर्म में आप सक्सेस करते हैं। जैसे इन्होंने किया, जॉब छोड़ करके कोचिंग स्टार्ट कर दिया, कोचिंग में पढ़ाना चालू कर दिया, 100 परसेंटाइल आने के बाद ये खुश हो गए। उसके बाद जो है वो जो है करते रहे, बिजनेस क्लास लेने लगे, बिजनेस क्लास करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेडियम साइज का क्लास बना लिए, मतलब एक कहें तो कंपनी बन गया उनका जो है पढ़ने वाले लोगों का, बहुत बड़ा था। 2011 में जो है तो बैजूज विद हिज वाइफ जो है वो अपने वाइफ के साथ में क्लास में पढ़ाने लगे, दिव्या गोकुलनाथ। तो हु ही मेट वाइल सी वॉज अ स्टूडेंट इन हिज एग्जाम प्रिपरेशन क्लास, जब वे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस समय दिव्या गोकुलनाथ से वो मिले और फिर उनसे प्रेम विवाह हुआ। और 2015 में जाकर के स्मार्टफोन स्क्रीन साइज
जो है इंक्रीज्ड बैजूज लॉन्च्ड एन ऐप डेवलप्ड बाय बैजूज रविंद्रन। तो बैजू रविंद्रन क्या किया कि 2015 में एक एप्लीकेशन का निर्माण किया जिसका नाम था बैजूज और बैजूज। उसके बाद फिर वो क्लास इत्यादि लेने लगे। फिर कहते हैं कि अक्टूबर 2018 में द ऐप एक्सपांडेड टू यूके यूएस एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है वो सभी जो है कंट्रीज में, देश में, यूके यूएस में भी वो अपना एप्लीकेशन को भेजने लगे, शेयर करने लगे। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एज अ 2020 बैजूज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर रिजू रविंद्रन हैज अ कम्बाइंड नेट वर्थ ऑफ 3.05 बिलियन। उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन है उसका प्रचार प्रसार करने लगे, उस पर क्लास लेने लगे, पढ़ाने लगे, उनका वाइफ, उनका भाई सब मिल करके। उसके बाद जो है 2020 में $3 बिलियन का जो है ये बन गया एप्लीकेशन। समझ सकते हैं आप इतना जल्दी इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस। इन जनवरी 2021 ही वाज एडेड टू द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसलिंग एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अलोंग विद द कुणाल बेल्ट। मतलब जनवरी 2021 में जो है नेशनल रूप में स्टार्ट किए और एडवाइस काउंसिल से एडवाइस लेकर के इसको और अधिक विकास किए, बढ़ाए। अप्रैल 2021 में क्या किए, बैजू परचेज द इंडियन टेस्ट प्री प्रोवाइडर आकाश एजुकेशन सर्विस फॉर नियरली $1 बिलियन। मतलब $1 बिलियन से वो आकाश एजुकेशनल्स को वो खरीद लिए, समझ सकते हैं। मतलब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वो परचेज कर लिए अपना एप्लीकेशन में, आकाश एजुकेशनल जो सर्विस था उसको बोले कि भाई तुम पढ़ाओ यहाँ पर और पैसा हम तुमको देंगे और तुम कितना लोगे, इस टाइप का करके खरीद लिए, वो परचेज कर लिए। उसके बाद ऑनर एंड अवार्ड, फिर तो ये मतलब बहुत ज़्यादा, फिर $1 बिलियन जो है उधर दिए और $3 बिलियन का इसका टर्नओवर था ये। नेक्स्ट 2019 में क्या हुआ था, ऑनर न्यूज नमस्कार अवार्ड इनको मिला था, मनोरमा न्यूज नमस्कार अवार्ड। 2020 में यंग फाइनेंस इंटरप्रेन्योर ईयर का मिला था। इस प्रकार करके इन्होंने भारी नाम कमाया। तो अब आप समझ सकते हैं बैजूज क्लास जब इतना फेमस हो गया इतना जल्दी और मतलब वो हालांकि उतना बहुत ज़्यादा जितना हमारा हाई फाई होने वाला है वो अकेडमी उतना ये नहीं है, तो समझ सकते हैं इतना जब हो गया तो फिर हमारा जब वो अकेडमी आएगा तो कितना ज़्यादा चलेगा दोस्तों, इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें और जल्द से जल्द आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।